नमस्कार, इन बीसीएन के मनपा रण संग्राम इस कार्यक्रम में मैं आदित्य राय आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के रेशम बाग इस प्रभाग के पार्षद रविंद्र भोयर मौजूद है। उन्हीं से हम जानेंगे कि इन 5 वर्षों में जन विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया। कई बार विवादों में भी रविंद्र भोयर रहे, उन विवादों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप ये बताइए कि इन 5 वर्षों में क्या विकास काम आपने किए, आपकी जुबानी, उसके बाद आपके विवादों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले विकास कार्यों से शुरुआत करते हैं। मैंने 2012 में जब मैं रेशमबाग प्रभाग से पार्षद करके निर्वाचित हुआ, तब से लेकर आज तक रेशमबाग, जूनी शुक्रवारी, सिरसपेट, वकीलपेट, ये 4 मेजर बस्तियाँ इस प्रभाग में आती है। इसमें हम 2 लोग चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक मैं स्वयं और दूसरी सारिका नांदूरकर, और 2 लोगों के चुनाव जीतने के कारण और वो एक ही पार्टी के रहने के कारण हम लोगों ने आपस में ये तय कर लिया था कि इस एरिया में मैं काम करूंगा, उस एरिया में वो स्वयं काम करेंगे, क्योंकि एक नगर सेवक का वार्ड फंड पूरे प्रभाग में सफिशियंट नहीं होता, और इसलिए जूनी शुक्रवारी और रेशमबाग ये एरिया मेरे तरफ था। वकीलपेट और सिरसपेट में काम करने की जिम्मेदारी सारिका तय की थी। इस पीरियड में हमने उन सभी कामों को हाथ डाला। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद 24/7 की जो पाइपलाइन है वो जूनी शुक्रवारी में 100% हमने बिछा दिए। उसके बाद जूनी शुक्रवारी में जितनी वो रास्ते रहे नहीं, वो तो गलियां बन चुकी है, जितनी गलियां है उन सबका कॉन्क्रीटीकरण हो चुका था। सीमेंट रोड ही वहाँ पे एज वेल एज हमने किए। हर साल का जो मेरा डामरीकरण का जो फंड रहता था वो मैंने कन्वर्ट इनटू सीमेंटीकरण, ऐसा करके मैंने पूरे मेरे को मिलने वाला फंड यहाँ जूनी शुक्रवारी में सीमेंटीकरण करने में पूरा खर्च किया। जूनी शुक्रवारी की बेसिक और बहुत बड़ी समस्या ये थी कि जूनी शुक्रवारी में जो गडर लाइन है वो आज बहुत वर्षों पुरानी हो चुकी है, लेकिन उसे बदलना जहाँ जहाँ संभव हो सका वहाँ वहाँ मैंने उसको बदला, लेकिन वो इतनी, वो एक तो नजूल की भी जगह है, कुछ लोगों की जगह है, वहाँ पे भी वाद है, विवाद है। उसके बावजूद जूनी शुक्रवारी में हमने लगभग 350-400 के करीब नए चेम्बर्स का निर्माण किया। उसके बाद रेशमबाग में बहुत सालों से विवाद में चल रहा है जो वॉलीबॉल ग्राउंड है, वो महानगर पालिका कोर्ट में भी उसमें अपने तरफ से निर्णय नहीं कर पाई थी, लेकिन हमने सब कागजात को जमा करके यह जगह महानगर पालिका की ही है, और 1976 के डीपी प्लान में वॉलीबॉल ग्राउंड ये प्ले ग्राउंड करके वहाँ पे दिखाया गया है, ये हमने सबके सामने रखा। रविंद्र जी, बीच में आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, विकास काम जो किए हैं उसको हमको जल्द से जल्द निपटाना है ताकि आगे की चर्चा हम लोग कर सके। तो वॉलीबॉल ग्राउंड को महानगर पालिका के कब्जे में करने के लिए लोक हित में हमने 32 लाख रुपए की वहाँ पे कंपाउंड वॉल डाली, जिसे सुरक्षा भिंत कहते हैं, वो सुरक्षा भिंत वहाँ डाली। लगभग 20-22 लाख रुपये का काम गार्डन के सौंदर्यीकरण का किया गया जो रेशमबाग में आता है। उसके बाद रेशमबाग के गजानन चौक से लेकर सकरदरा चौक तक जो रोड है वो छोटा रोड है, लेकिन वहाँ से टैंकर का आना जाना लगा रहता था, इसलिए वहाँ पे लगभग 25 लाख रुपए का एक सीमेंट रोड हमने उसी समय बनवाया। उसके बाद जूनी शुक्रवारी में जो संघ बिल्डिंग के पीछे का जो रास्ता है, जो बहुत हो गए तो 8-10 फुट की रोड वहाँ पर बची थी, वहाँ पर हमने 9 मीटर का सीमेंट रोड बनाने का कार्य वहाँ पर शुरू किया। उसके बाद स्मृति भवन से लेकर यानी स्मृति भवन के केशव द्वार से लेकर संगम टॉकीज तक लगभग 3.5 करोड़ रुपए का सीमेंट रोड का कार्य भी वहाँ पे अभी जारी है।
यह हुई आपने जितने विकास कार्य किए उनकी लिस्ट। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला सवाल आप पे ये कि आपका जो क्षेत्र था, आपके क्षेत्र में आता है जूनी शिक्रवारी, रेशीम बाग, सीरस पेट, वकील पेट। तो आपके एरिया में जो पूरी दलित बस्तियां है, जो पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वो आपने अपने सहयोगी जो नगर सेविका है, सहयोगी पार्षद को दे दिया। आपका जो क्षेत्र है जूनी शुक्रवारी और रेशीम बाग, ये पहले से डेवलप्ड क्षेत्र है, यहाँ डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत ज़रूरत थी। तो आपने जो था पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो था वो अपनी सहयोगी नगर सेविका को डेवलपमेंट के लिए दे दिया, और जो चाम एरिया था जहाँ पहले ही विकास हुआ था, जहाँ थोड़े विकास की जरूरत थी, वो खुद लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये दोनों क्षेत्रों को प्रॉपरली डिवाइड करते तो वहाँ विकास और ज़्यादा हो जाता, ऐसा नहीं लगता? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बेसिकली जितनी समस्याएं सिरस पेट में और वकील पेट में हैं, उतनी ही या उससे ज़्यादा समस्याएं जूनी शुक्रवारी में भी है। जूनी शुक्रवारी ये अथराइज स्लम है, और वहाँ पे वहाँ की समस्याएं वो वहाँ पे जाने के बाद ही आपको पता चलेगी। और जहाँ पे मैं रहता हूँ है स्लम है, ऑथराइज झोपड़पट्टी है, लेकिन आज वो डेवलप हुई। मैंने आपको कहा का नजारा आप देख सकते हैं, मैंने मैंने आपको कहा कि मैंने वहाँ पे 350 से 400 चेंबर्स बनाए। मैंने आपको कहा कि जूनी शुक्रवारी के हर रास्ते का सीमेंटीकरण किया। मैंने आपको कहा कि जूनी शुक्रवारी के हर घर में नए पानी का कनेक्शन दिया, जो 24/7 में आने वाला है उसका कनेक्शन हमने हर घर में दिया। और इसलिए जूनी शुक्रवारी की समस्या नहीं थी, ये कहना गलत नहीं, 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 समस्या बिल्कुल थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। और दूसरी बात ऐसी है, ऐसा नहीं है, दूसरी बात ऐसी है कि मैं स्वयं रहता हूँ रेशम बाग में, इसलिए नगर सेवक जिस बस्ती में रहता है वहाँ का वो पहला नगर सेवक रहता ही है। और इसलिए रेशम बाग के काम करना और जूनी शुक्रवारी का काम करना, ये सटकर लगा हुआ जो पार्ट था मेरे प्रभाग का, उसके कारण मैं वहां रहा। सारिकाताई सिरसपेट में रहती थी, सारिकाताई सिरसपेट में रहती थी। जनप्रतिनिधि चुना तो दोनों वार्डों के लोगों ने था, मिलकर चुना था, मिलकर प्रभाग बनाया गया था। ठीक है, चलिए इस चर्चा के आगे कई और विवादित जो मुद्दे थे वो आपके साथ जुड़े रहे। रविंद्र जी जो है इनको प्यार से छोटू बुलाते हैं, तो कई बार हो सकता है कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म के हिसाब से छोटू ये शब्द ठीक ना हो, लेकिन प्यार से इन्हें छोटू बुलाते हैं, तो कई बार शो में मैं छोटू शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। छोटू जी ये बताइए कि कई बार ऐसे आरोप भी लगे आप पर कि आपकी जो सहयोगी नगर सेविका है, आप उसके काम में अड़ंगे लाते हैं, उनकी फाइलें मंजूर नहीं होने देते, शुरुआत के 1-1.5-2 साल आपने उनको काम ही नहीं करने दिया, अलग सा प्रेशर उन पर बनाए रखा। मुझे लगता है काफी विवाद गरमाया रहा ये। मुझे लगता है ये आरोप बेबुनियाद है, इसमें कहीं तथ्य नहीं है। वो भी एक सुलझी हुई नगर सेविका है, उसने भी उलझाए रखा है, उसने भी सिरस पेट और वकील पेट में अच्छे कार्य किए। और इसलिए ये कहना कि मैंने किसी के शुरुआती 1.5 साल में 35 लाख रुपए की एक फाइल थी जिसमें पूरे प्रभाग की फ्लोरिंग करवानी थी, 35 लाख रुपए की फाइल थी, आपने वो फाइल मंजूर नहीं होने दी, ऐसा आरोप आप पर लगा। मेरे जानकारी में 35 लाख रुपए की शुरुआती 1 साल में, शुरुआती मेरे जानकारी में 35 लाख रुपए की कोई फ्लोरिंग की फाइल हमारे यहाँ आई ही नहीं। अच्छा ठीक है, और इसलिए जो आरोप जो लोग लगा रहे हैं मुझे लगता है कि वो बेबुनियाद है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। कई बार ऐसा भी विवाद हुआ कि जिस बीजेपी के बैनर के तले आप लड़े, आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया, उसी पार्टी के कई नेताओं के साथ आपका विवाद चरम पर रहा, विवाद उनसे चलता रहा। देखो मैं इस मान्यता का हूँ कि मतभेद ये होते रहने चाहिए, मतभेद की जगह जिस दिन मनभेद लेता है उस दिन सही समस्या का निर्माण होता है। मतभेद रहना ये जिंदा दिली का भी काम है। मुझे आपका एक विषय पसंद नहीं है और मैंने उसका विरोध किया, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि भाई मैंने जो विरोध किया है वो अगर गलत है तो मैंने तुरंत उस पर एक्सक्यूज करके या माफ़ी मांग कर मैं बाजू हो सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे मतभेद रहे, बहुत लोगों से रहे, लेकिन मनभेद को मेरे इसमें कोई स्थान नहीं रहा। लेकिन मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़कर मनभेद में बदल गए, कई बार ऐसा भी देखा गया। मैंने आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट किया नहीं,
मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 वर्षों से कार्यकर्ता हूँ। मैं दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक, नागपुर शहर के महामंत्री से लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने इस पार्टी में भी, इसके पूर्व में निभाई है। मैं इस शहर का उपमहापौर भी रह चुका हूँ। मैं दूसरी बार नगर सेवक करके भी रहा हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी विवाद में मैंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया होगा, मैंने किसी के खिलाफ में कोई भी एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया होगा तो मुझे दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, आप जो बोलेंगे वो मानने के लिए मैं तैयार। पार्टी की बात हुई, इस मामले में हमें ज्यादा और अंदर नहीं घुसना चाहिए। संघ का गढ़ जो है आपका प्रभाग है, नागपुर को संघ के गढ़ के नाम से जाना जाता है। आरएसएस का स्मृति मंदिर परिसर आपके प्रभाग में आता है। एक बहुत बड़ी समस्या है, स्मृति मंदिर परिसर के सामने जो मैदान है, उस मैदान पर किसकी मिल्कियत है ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। कोर्ट में कई वर्षों से मामला चल रहा है, नागपुर सुधार प्रन्यास और 2-3 शहर के शैक्षणिक संस्थान है उनके बीच। शहर का ऐसा पहला ग्राउंड है रेशिमबाग ग्राउंड कि जिसने शहर को 23 एथलीट्स दिए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। सही, लेकिन उसके बावजूद वो ग्राउंड अभी तक विवादों में फंसा हुआ है। आप उस क्षेत्र के पार्षद हैं, संघ की शाखा में भी आपका कई बार आना जाना लगा रहता होगा। उस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने वाले एथलीट्स की समस्याएं इतनी चरम पर है कि कई बार ग्राउंड खराब होने की वजह से वो शारीरिक रूप से वहां पर उनको कई चोटें आई हैं। कई बार आपके पास आए लेकिन आपने कुछ नहीं किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में, शहर के एक सक्रिय नागरिक के रूप में आपका एक कर्तव्य था कि आप उनके लिए कुछ करते। पहली बात तो यह है कि एथलेटिक्स लोगों को कुछ तकलीफ हुई और कोई मेरे पास आए और उसका मैंने समाधान नहीं किया, यह भी गलत है। कई बार ऐसी शिकायतें आई, मैं खुद खबर कवर करने गया। मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि वो रेशमबाग ग्राउंड जो है वो नागपुर शहर का खेल कूद के लिए सबसे बड़ा मैदान है, और उस मैदान पर न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, सिपेन बेरर स्कूल और नील सिटी हाई स्कूल, ये तीन स्कूलों को उनके नित्य स्वरूप एक्सरसाइज के लिए उस समय प्रशासन ने इनको ये जगह, वो विवाद कोर्ट में शुरू है। लेकिन आप खुद एनआईटी के ट्रस्टी थे, कई बार एथलीट्स आपके पास आए, आप अगर चाहते एनआईटी उस जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का कमर्शियल उपयोग करती रही। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, मैं एनआईटी ट्रस्टी रहते समय ये तीनों संस्थानों के अध्यक्ष और सचिव जो भी है उन लोगों की एनआईटी चेयरमैन के साथ मैंने खुद वहाँ पे मीटिंग की है। उसके बाद उस विवाद को सुलझा कर वहाँ पर मीटिंग इसलिए करवाई गई कि लोगों का कहना ऐसा भी था कि उस वक्त जब ये मीटिंग हुई थी कि आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर के लिए वो मैदान जो था वो एक्वायर करना था, वहाँ से कंपाउंड वॉल लेना था, उसकी वजह से वो मीटिंग करवाई गई थी। शैक्षणिक संस्थानों के जो संचालक है उनमें से दो व्यक्तियों ने यह बात कही। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, आप दो लोग बोल रहे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भी बोल दे कि आरएसएस के प्लेग्राउंड के लिए या आरएसएस को वो जगह चाहिए थी इसलिए अगर मैंने वो मीटिंग करवाई है, दो संचालक ऐसा कहने वाला एक आदमी, मैं दो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक आदमी अगर ये बोल दे, साहब आरएसएस का गढ़ है खुल के बोलेंगे तो आप जेल में डाल देंगे। मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ। अरे आप जेल में डाल देंगे वो खुलकर बोलेंगे तो ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया। ऐसे आरोप नहीं, आरोप नहीं, मैंने वो स्टोरी पिछले 3 साल में 6 से 8 बार कवर की है। वहाँ पे एथलीट्स की जो परेशानी है, एथलीट्स की जो समस्या है, मैं खिलाड़ियों की परेशानियों को समझ सकता हूँ। लेकिन आपने समझा ही नहीं, आप एनआईटी के ट्रस्टी थे। मैं खिलाड़ियों के परेशानियों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपके इस आरोप को समझने के बाहर हूँ कि जिस ग्राउंड पर तीन संस्थाओं का कब्जा है, जिस ग्राउंड का विवाद कोर्ट में एनआईटी के साथ चल रहा है। लेकिन साहब सुन तो लीजिए, बिल्कुल मेरे आरोप इसलिए तथ्यात्मक है क्योंकि अभी नागपुर सुधार प्रन्यास उस ग्राउंड का रखरखाव देखता है। कमर्शियल यूज के लिए आपने वो प्लेग्राउंड किराए पर दिया, उससे करोड़ों रुपए कमाए, एनआईटी ने कमाए पिछले
पांच से छह वर्षों में एनआईटी ने करोड़ों रुपए उस ग्राउंड का कमर्शियल यूज कर कमाए। अगर वहीं पर खिलाड़ियों के लिए कुछ सुविधाएं आप करते, जहां तक मेरी जानकारी है और मैं आपको वेल प्रूफ बता सकता हूं, मेरे पास वो टेंडर नंबर है, जो वर्क ऑर्डर हुआ था उसका भी नंबर है। 7.5 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क की वहां पे शुरुआत होने जा रही थी, उस बीच में वहां पे मटेरियल गिर गया, वहां पे पूरे ग्राउंड को कंपाउंड वॉल करने का काम, सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम, वॉलीबॉल ग्राउंड का कोर्ट, बास्केटबॉल ग्राउंड का कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड का कोर्ट, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड थी जो बनने जा रही थी। लेकिन इन तीनों संस्थाओं का जो नज़रिया है वो सकारात्मक नहीं है। आज इन तीन में से एक भी स्कूल के बच्चे वहाँ पे खेलते नहीं हैं। वो एनआईटी ने बच्चों को खेलने के लिए इन संस्थाओं को लीज पर दी हुई जगह थी और उसका कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इसलिए आप इस मामले को कोर्ट से जोड़कर, कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अभी तो एनआईटी के पास मैंने जो तीन संस्थाओं की मीटिंग करवाई थी, वो मीटिंग ही इस कारण करवाई थी कि ये 7.5 करोड़ के काम वहाँ पे हो सके। लेकिन इन लोगों का रवैया सकारात्मक न रहने के कारण आज भी रेशमबाग ग्राउंड की दुर्दशा है, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन उसके लिए, इसके खिलाफ यहाँ पे कोई वर्क नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोर्ट में कौन गया? मैं आपको एनआईटी का 7.5 करोड़ का वर्क ऑर्डर दिखाता हूँ। आप, वो पूरा नहीं हुआ, वो काम पर भी नहीं आया, यानी वो ऐसा हुआ कि सिर्फ आपकी जानकारी आधी अधूरी है। मेरी जानकारी, आपकी जानकारी आधी है, मैं बता रहा हूँ, आपकी जानकारी आधी अधूरी है। वहाँ पर मटेरियल गिर चुका था, वहाँ पे गिट्टी बोल्ट, काम चालू क्यों नहीं हुआ फिर? या फिर आपने प्रोसेस पूरी नहीं की? प्रोसेस पूरी हो चुकी थी, इन तीनों संस्थाओं की मीटिंग मैं स्वयं कर चुका था, लेकिन उन संस्थाओं में भी आपस में विवाद थे ना। अब मैं आपको हर संस्था में आपस में क्या विवाद थे ये बताने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। तो मैं आपको इतना बता कर बताऊं कि ये बिना ही आपने वर्क ऑर्डर निकाला, आपने ही कहा कि मैंने तीनों संस्थाओं की मीटिंग ली और आरएसएस को ग्राउंड देने के लिए की। बिल्कुल, ये आरोप किया मैंने, लेकिन समन्वय नहीं किया आपने, समन्वय नहीं बैठा है। समन्वय के साथ ही मैंने काम किया था, लेकिन हो सकता है कि दुर्भाग्यवश रेशमबाग मैदान की स्थिति उसके बाद नहीं सुधरी। लेकिन आने वाले समय में, अभी वैसे भी नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बर्खास्त हो चुकी है, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये एजेंसी रहने वाली है, और इसलिए आने वाले समय में राज्य शासन की मदद से हम लोग वहाँ पे एक अच्छा बच्चों को जो जिस ढंग का प्लेग्राउंड चाहिए उस ढंग का प्लेग्राउंड वहाँ पे जनता को देंगे। तो ये आश्वासन या वादा नहीं, ये चुनावी वादा, ये विश्वास, ये आप हमारे शो से कर रहे हैं, ये विश्वास दे रहा हूँ। मैंने जो भी वादे किए मेरे प्रभाग में वो पूरे के पूरे मैंने पूर्ण किए। कोई वादा ऐसा नहीं है जो चुनाव के पहले लोग बोल सके कि छोटू भोयर ने ये कही थी। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि छोटू भोयर चुनाव के बाद नजर ही नहीं आए, लोगों से बातचीत करने का रवैया छोटू भोयर का बदल गया। अब ऐसा है, छोटू बुलाते आपके, अब ऐसा है कि पॉलिटिकल एलिगेशंस अगर नहीं लगे तो राजनीति में आप हो कि नहीं हो। अब कोई भी कारपोरेटर, मैं छोटू भोयर करके नहीं, कोई भी कारपोरेटर बस्ती के हर घर में रोजाना जाना संभव है? अगर वो वार्ड में घूमते रहा तो बोलेंगे नगर सेवक ऑफिस में नहीं मिलता, ऑफिस में बैठा रहा तो लोग बोलेंगे कि ये वार्ड में नहीं घूमता। मेरा कहना ऐसा है कि लोगों के काम, मेरे को लोग फ़ोन करते हैं, उसके फ़ोन पे मेरा उनका काम होता है कि नहीं होता है, या मैं लोगों के फ़ोन रात को 2 बजे भी आया तो उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ, मेरे बारे में कोई ये तकरार नहीं कर सकता कि छोटू भोयर को रात को 2 बजे फ़ोन किया और छोटू भोयर ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन मैंने कई बार आपको दोपहर में फ़ोन किया साहब, तो आपके पीए ने फ़ोन उठाया। उस समय मैं किसी मीटिंग में हूँगा। मेरे प्रभाग के जनता का अगर कोई ये कह दे कि छोटू भोयर फ़ोन नहीं उठाते, आप पत्रकार हो, अरे तो साहब आपको एनआईटी के किसी इशू के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया चाहिए थी और इसलिए शायद मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने रिटर्न कॉल भी नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या चाहिए था ये मैं समझ चुका था। मेरी ग्राउंड वाली स्टोरी थी जिसके पहले हम लोग अभी जिस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक प्रभाग के एक नगर सेवक के रूप में काम करने का संबंध है, मैं प्रभाग के हर आदमी का फ़ोन उठाता हूँ, उसके हर काम को न्याय मिले इसके लिए संघर्ष करता हूँ।
ये थे रविंद्र उर्फ छोटू भोयर, रेशिम बाग संघ का गढ़ जिसे कहा जाता है, नागपुर संघ के गढ़ के नाम से जाना जाता है, उस प्रभाग के जनप्रतिनिधि। समय कम है, सवाल और बहुत थे, चर्चा इनसे लंबी करनी थी क्योंकि शहर का जो सबसे मुख्य क्षेत्र है वहाँ के पार्षद है। आने वाले समय में इनसे चर्चाओं का दौर इसी तरीके से शुरू रखेंगे। फिलहाल BCN न्यूज़ के चुनावी रणसंग्राम इस कार्यक्रम में मैं आपसे यही विदाई लेता हूँ। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन BCN न्यूज़।